हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज मैं लेने वाला हूं आपका एचपी जीके का मॉक टेस्ट, जिसमें आपसे 25 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और हर क्वेश्चन जो है आपने पहले जरूर पढ़ा होगा, ये एक तरह से आपकी रिवीजन है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एचपी एसआई हो, नायब तहसीलदार हो, या फिर कोई भी आप किसी भी हिमाचल प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पता होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सुजानपुर के निकट आलमपुर कस्बा किस शासक ने बसाया था। यहाँ पर पूछा गया कि आलमपुर कस्बा, या फिर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि आलमपुर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। चार आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, साथ साथ आपको आंसर देना है। तो इसकी जो सही आंसर है वो है आलमचंद। ठीक है, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, आलमपुर आलमचंद। और इसकी जो स्थापना हुई थी, आई थिंक वो 1697 के आसपास हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी, या फिर हिमाचल प्रदेश में बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी। चार आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, साथ साथ आपको आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मनाली रोहतांग मार्ग पर कितने वर्ष पुरानी गाड़ियों के चलाने पर जो है प्रतिबंध लगाया है। यहां पर आप चार ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10 वर्ष से अधिक, यानी कि जिस गाड़ियों को 10 वर्ष से अधिक का टाइम हो गया है वहां पर उनको अलाउड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस एजेंसी द्वारा व्यास नदी के नजदीक पूर्ण रूप से निर्माण पर जो है वो रोक लगा दी गई है। यहां से आपको ऑप्शन देखकर सही आंसर चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिमला स्थित कौन सी इमारत धरोहर की श्रेणी में नहीं रखी गई है। ये चारों जो इमारतें हैं या भवन है, ठीक है, वो आपकी शिमला में स्थित है, बट इनमें से आपको बताना है कि कौन सी धरोहर की श्रेणी में नहीं रखी गई है। इसका जो सही आंसर है वो है विश्वविद्यालय भवन, यानी कि जो एचपीयू है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, उसको धरोहर की श्रेणी में नहीं रखा गया है। बाकी क्राइस्ट चर्च, रेलवे बोर्ड भवन और ग्रीनलैंड बैंक भवन जो है वो तीनों धरोहर की श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुप्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक बिपिन चंद्र का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से था। ठीक है, वो कौन से जिले से संबंधित थे। चार आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, कांगड़ा। बिपिन चंद्र जो थे वो कांगड़ा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रदेश के किस जिले के लोगों ने वर्ष 2014 में सरकारी अनदेखी के चलते चीन चलो का नारा दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चीन चलो का नारा कौन से जिले के लोगों ने दिया था। जरूरी नहीं है कि आपसे सन पूछा ही जाए, डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है किन्नौर के लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेबर ब्यूरो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, हो सकता है कि आपको सभी क्वेश्चन यहां पर पता हो, तो एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। जिनको नहीं पता है तो उनको पता लग जाएगा, लेबर ब्यूरो जो स्थित है वो है आपके शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शांति देवी हिमाचल गौरव पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है वो दिया जाता है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सामाजिक कार्य, या फिर आपसे अपोजिट पूछा जा सकता है कि सामाजिक कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो शांति देवी हिमाचल गौरव पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पश्चिमी हिमालय का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश की में किस वर्ष जो है वो स्थापित किया गया था। ठीक है, तो वो किया गया था आपका 2013 में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कहां पर स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है, अगर पूछा जाता है स्थान, तो वो है आपका सलपोरा। ठीक है, तो तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट भी, ईयर भी, और कौन सा स्थान है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैप्टन गार्डन द्वारा शिमला स्थित बेंटनी कैसल ही इमारत का निर्माण जो है वो कब करवाया गया था। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1880। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के पहले राजीव सेवा केंद्र का निर्माण किस जिले में किया गया है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे जिलों में राजीव सेवा केंद्र हैं, बट पहला यहां पर पूछा गया है, पहले का निर्माण, तो वो किया गया था आपका सिरमौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 2012 में शूटर विजय कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आई थिंक सभी को पता होगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विजय कुमार का संबंध किस खेल से है, तो वो है आपका शूटिंग से। ठीक है, तो 2012 में इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और एक एकमात्र हिमाचली है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। ठीक है, चार आपके पास ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 12.8, बुक्स में आपको मिलेगा 12.9, बट डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पे कि आपके पास ऑप्शन क्या दिए गए हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप 12 बस याद रखिएगा,
या अगर आपके पास सारे ऑप्शन 12.7, 12.8, 12.9 आते हैं तो आप 12.9 टिक करोगे, ठीक है। और अगर आपके पास 12 ही आता है, ठीक है, 8 भी हो सकता है वहां पर, थोड़ा भी इधर उधर हो सकता है, तो 12.8 भी आप टिक कर सकते हैं। 12. अगर 7 होता है, ठीक है, तो 12.7 टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति की प्रतिमा शिमला शहर में स्थित नहीं है। चार यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मलाणा के सुप्रसिद्ध देवता जामलू के लिए मुख्य भेंट क्या चढ़ाई जाती है, ठीक है, तो उन्हें किस चीज की जो है भेंट चढ़ाई जाती है, तो वो चढ़ाई जाती है आपकी चांदी निर्मित घोड़ा, ठीक है, घोड़ा जो कि चांदी से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिला कुल्लू में स्थित कटराई नामक स्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, कटराई को और किस नाम से जाना जाता है ये पूछा गया आपके यहाँ पर, तो इसका जो सही आंसर है वो है भोजपुर, या फिर अपोजिट हो सकता है कि भोजपुर को किस और नाम से जाना जा सकता है, ठीक है, तो वो जाना जाता है कटराई के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुल्लू घाटी में ऋषि जमदग्नि का मंदिर कहां पर स्थित है, ठीक है, चार आपके पास ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो सही आंसर है वो है मनाली, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऋषि जमदग्नि का मंदिर कौन सी घाटी में स्थित है, तो इसका आंसर होगा आपका कुल्लू घाटी। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानगढ़ दुर्ग हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थित है, तो मानगढ़ दुर्ग आपका स्थित है नालागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्मशाला युद्ध स्मारक की स्थापना डॉक्टर यशवंत सिंह परमार द्वारा कब की गई थी, ठीक है, युद्ध स्मारक कहां पर है, धर्मशाला में है, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 18 मई 1967 को की गई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसका जो सही आंसर है वो है अबाह देवी, ठीक है, अबाह देवी है, और इसकी जो हाइट है वो 1130 मीटर के अप्रोक्स है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध उत्तर क्षेत्रीय संस्थान कहां पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, तो वो है आपका नूरपुर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब काल का शिमला रेल लाइन मार्ग को धरोहर रेलवे घोषित किया गया था, कौन से सन में, तो वो किया गया था आपका 2008 में, और 1903 में जो है ये ओपनिंग इसकी हुई थी, ये भी याद रखिएगा, पूरी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश का पहला सूचना आयुक्त कौन था, मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, ठीक है, जिनको बोलते हैं आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो वो कौन थे, पहले यहां पर पूछे गए हैं, ठीक है, रिसेंटली भी आपसे पूछा जा सकता है और पहले भी पूछे जा सकते हैं, तो पहले थे आपके पीएस राणा, ठीक है, रिसेंटली की अगर बात करें तो वो है आपके नरेंद्र चौहान, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, रिसेंटली कौन है और पहले कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्थानीय नस्ल इंडिका किससे संबंधित है, एक नस्ल है इंडिका, तो वो इनमें से किससे संबंधित है, तो वो है आपकी मधुमक्खी से, ठीक है, पूरा होता है एपिस कैरेना इंडिका, तो इंडिका पूछा गया है यहां पर, याद रखिएगा, ठीक है, एक होती है चीगू जो कि भेड़ की नस्ल होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, तो नस्लें वगैरह आपको पता नहीं चाहिए। तो ये थे कुछ 25 क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगा, वीडियो शेयर जरूर कर लीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।